बानी मजबूर हो जान बुझ के रोहत नहीं खी तोहरा से दूर हो कि हम पे कैले बाटे घोर भर कड़ाई ए लभार जी कैसे हम भेंट करिया। अभी तक लग रहे मतलब लगे हुए हैं स्कूल टाइम से, अभी तक जो सफर है बहुत ही बेहतरीन रहा, उतार चढ़ाव भी रहा, लेकिन तब भी फर्स्ट क्लास रहा। कब से गए किसी बात की? बहुत अच्छे से। मन कब लगा कैसे कि हमको भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है, गाना गाना है? आप पहले स्कूल में गाया करते थे, मतलब प्रेयर वगैरह गाते थे, तो वहीं से बहुत लोग कांटेक्ट में आते हैं ना। अच्छा। स्कूल के कल्चरल शो में आते हैं, तो वहीं से हमको लोग बूस्ट अप करने लगे बहुत लोग, फिर हम स्टूडियो में गाने लगे। पहले तो कोरस गाते थे, बैकग्राउंड में जो कोरस होता है निर्भर का, पहले तो वो 2-3 साल तक हम कोरस गाए। उसके बाद वहीं से हमको ब्रेक मिलने लगा, और ब्रेक मिला तो बहुत ही अच्छा अच्छा ब्रेक मिला। चाहे की बात बताइएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कितना कठिन होता है गाना गाना, कितना आसान होता है? भोजपुरी में कठिन नहीं होता है, भोजपुरी में बहुत आसान होता है, उससे भी आसान तो मगही में हमको दिख रहा है। अच्छा। बस आपके पास पैसा होना चाहिए, आप सिंगर बन जाएंगे। इंटरव्यू जब हम कर रहे थे, मैम की एक खासियत देखा कि जैसे नटखटी होता है इस तरीके से अदाई अपना कर रही है, नटखटी टाइप। मतलब क्या लगता है कि बचपन से नटखटी करते हैं? हम बचपन से ऐसे ही, कोई चेंजिंग नहीं है, अजू रूप है वही अंदर है। तो कभी कभी ऐसे नटखटी रूप करते होंगे तो मम्मी पापा तो मार भी देते होंगे, डांटते होंगे? नहीं, मार बाप, देख माँ बाप से कौन भी पिटाया है, कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो कि माँ बाप से पिटाया नहीं होगा। हम भी पिटाया बहुत बदमाश थे। मैम एक अपना गाना सुने जो कि आपके दिल के करीब हो, आपके बड़ा ट्रेंड किया हो। अभी मेरा एक गाना आया है, अभी शूटिंग पे ही है हम लोग। मैम आपका पता लगा है कि दो दो गाना बड़ा इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कराए, कौन सा गाना है मेरे दोस्त को बताना चाहिए? पता नहीं, हम तो आइटम सॉन्ग गाते थे बहुत बदनाम और फेमस दोनों इसी में, लेकिन पब्लिक को पता नहीं मुझे कौन सी यू टर्न दे रही है। दो दो गाने हैं जो मेरे सैड सॉन्ग है, और मैं चाहूंगी और भी सैड सॉन्ग गाएं। ये गाना है बेवफा ना बूझा हमके, और एक नींद आवे ना रती हम। गाकर बता दीजिए। बेवफा ना बूझा हमके बानी मजबूर हो जान बुझ के राहत नहीं खी तोहरा से दूर हो कि हम पे कैले बाटे घोर भर कड़ाई ए लभार जी कैसे हम भेंट करियाई। मैम जो आप खुद कही है कि कभी मैं स्टारडम कभी ऊंचा हुआ कभी नीचा हुआ, तो नीचे होने का क्या वजह था? नीचे होने का वजह था 2017 में एक मतलब एक आरा में प्रोग्राम करने गए थे, तो वहाँ पे बहुत विवाद हुआ था कि मेरा एक गाना था समझाना के चौक को लेके, तो हम लोग प्लेबैक सिंगर है, हम लोग को तो हर तरह का गाना गाना होता है। मेरा भक्ति सागर भी बिग गंगा पे डेली सुबह में बजता, आप लोग जानते ही होंगे। भक्ति गाने भी मेरे बहुत सारे हिट है, जैसे ट्रेडिशनल बिहार के जितिया तीज कर्मा धर्मा, मतलब कुछ भी जो छोटे छोटे त्यौहार होते हैं ना, कार्तिक पूर्णिमा तक का मेरा गाना, लेकिन उसकी जिक्र नहीं होती है। लेकिन समझाना के चौक को लेकर ज्यादा विवाद था, तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार गलत कर रहे, पढ़े लिखे घर से पढ़े लिखे खुद भी हैं, ऐसा थोड़ी भैंस चरा के आए हैं। तो हमको लगा कि नहीं गाना चाहिए, तो छोड़ दिए। लेकिन छोड़ने के बाद क्या हुआ ना कि मेरे से भी बदतर सिंगर आए, बदतर, हम अपने आप को बदतर नहीं कह सकते, हम तो डबल मीनिंग सॉन्ग था वो, लेकिन एकदम खुलेआम मीनिंग वाला गाना आया था, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत विवादित हुआ, बहुत सिंगर है, फीमेल सिंगर की बात करें, मेल छोड़ दीजिए। तो उसके बाद मुझे लगा कि अरे ये क्या हो रहा है, हम छोड़ के फिर हम तो अच्छा करके गंगा नहा के तुम तो कुछ नहीं किए, फालतू में चले गए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, तभी हम रुके नहीं, गाते रहे, अच्छे अच्छे गाने गाए, अच्छे अच्छे लोग देखिए अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि डबल मीनिंग गाना नहीं गाएंगे, गाएंगे, कहा कि जो जनता खुश तो हम भी खुश, मोगैम्बो खुश हुआ। कोई अपने आप को कहे कि पढ़े लिखे है, मतलब ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए था, फिर सोचे कि नहीं मुझे गाना चाहिए। एक बात बताइए, एक बात बताइए, गाना देखिए लोग सुनते तो वही है ना, जो कि थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो। भक्ति गाना सुबह में चलता है 5:30 से 6:30 सुबह तक, उसके बाद भक्ति गाने का ग्राफ ना यूट्यूब पे एकदम डाउन हो जाता है, कोई नहीं देखता, उसके बाद वही सब चलता है, आइटम सॉन्ग तो ई वो दिस दैट, दूसरा का इंटरव्यू, लड़ाई झगड़ा मारपीट, यही सब चलता है। तो जो पब्लिक अच्छा लगती है ना, तो पब्लिक के लिए गाना पड़ता है हमारा, ये यही ना है काम। जैसे आप लोग विवादित न्यूज नहीं दिखाएगा तो चैनल चलेगा? डिबेट करती है, कहीं ना कहीं आपका भी ध्यान देने का मन है क्या? मन नहीं,
मन नहीं है, लेकिन एक बात बताते हैं, जैसे हम भी तो सोशल मीडिया पे ही रहते ना, इंस्टा खोलिए फेसबुक खोलिए तो हम घिना जाता है पूरा, अच्छा फलाने ने उसको कहा ई कहा वो कहा दिस कहा। विवाद से मैम एक चीज मुझे याद है, कभी विवाद के घेरे में आप भी घिरे हुई थी? हाँ तो घिरे हुए थे, लेकिन कोई पूरा सोशल मीडिया पे इधर से उधर जवाब हुआ था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुआ था, पार्टी को तो हम लठेर दिए थे, वो सभी सिंगर को गड़ियाता था, तो हमको अभी एक बार जब मेरे पाले पड़ा तो उठा के पटक दिए, एक महीना तक रहा था अंदर, पता नहीं है जी जी जी, पूरा न्यूज वाले सब चलाए थे, एक महीना अंदर रहा था, और पहली फीमेल सिंगर है जो कि अंदर भेजे थे। अच्छा मतलब गायिका के साथ साथ में श्रेणी टाइप के निकल रही है। यस, क्योंकि मैं अपने दम पे हूँ, मैंने ना चापलूसी किया है ना मैंने क्या बोले मुंह से खराब निकल रहा था, बाकी जो सिंगर्स लोग अभी के डेट में कर रही हैं बाहर से आके क्या क्या हो रहा है आप लोग भी जानते हैं अंदर में क्या होता है, गाली गलौज दिस दैट ये सब करके खुशबू तम नहीं आई हो यहाँ तक, मेहनत की है इतना दिन तक 2006 से लेके अभी तक टिकने के लिए ना अच्छे से लोगों में दम होना चाहिए, और हम टिके हुए हैं और अपने दम पे हैं, किसी की चापलूसी नहीं की है मैंने। अच्छा आप बचपन से कह रही गाती है, मतलब जब से आप गा रही है और आज तक से गाते आ रही है, स्टारडम आपको देखा जाए तो जस के